सो है गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस आ चुका हूं मैं वापस से एक BGMI का गेम प्ले लेके। और गाइस आज वाला गेम प्ले आप लोगों ने पूरा देख लिया ना, तो तुम भी बोलोगे क्रेजी भाई क्या दिखा दिया आज। तो गाइस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा, क्योंकि गाइस आज हम लोग के मैच में दो कॉन्करर बंदे आए हैं। पहले मैच में ये बंदा आया और दूसरे मैच में एक और कॉन्करर बंदा आया, उससे तो हमारी फाइट भी होती। और भाई उस बंदे के पास में M4 ग्लेशियर मैक्स थी, देखना तुम, बस मजा आएगा तुम लोग को। अभी बात करें तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैया पिरामिड में, पिरामिड बोलते क्या बोलते, खैर हटाओ यार, नए इवेंट बोल देते हम इसको। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और नीचे उतरने के बाद जो तबाही देखने को मिलेगी आपको, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और देखो। और भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इतने सारे गन साउंड आ रहे हैं ना भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन किस बंदे को मार रहा है। अब खैर जो भी हो, यहाँ पे मेरे को फ्री फोकट के 4 किल मिल जाते हैं। इनको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और थोड़ी बहुत लूट करने लगता हूँ, और तभी मेरे को सामने की तरफ से और भी बंदों की फुटस्टेप आते हैं। और भाई 3 नंबर को देखो कितना तेज चल रहा है ये। अब देखो यार 3 नंबर की तेजी तो निकल गई, लेकिन वहां से मैं बच के आ जाता हूँ। और भाई 1-2 बंदों की पेटी भी बना दी है मैंने, लेकिन ये देखो मेरे सामने लूट रहा है जैसे मेरे को दिख ही नहीं रहा हो। और भाई इसी के साथ हो जाता है 1v4 क्लच। तो गाइस अगर तो आप लोग को ये वाला क्लच बढ़िया लगा हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो देखो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट किया है या नहीं किया है आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। और अब देखो आगे, यहाँ पे भाई पहले से ही फाइट चल रही थी, तुम्हारा भाई आ जाता है थर्ड पार्टी करने के लिए, और देखो बस। Awesome. अब यहाँ पे देखो 3 बंदों की मैंने पेटी बना दी, इनका लास्ट बंदा जो रहता है वो इसी छत के ऊपर है, और एक बंदा भाई मेरे को बम वाले नेड फेंक रहा है, बम वाले नेड क्या बोल रहा हूँ यार मैं, डांस वाले नेड फेंक रहा है, तो इसको डांस करवा दूंगा। अगर ये मेरे को मिल गया ना भाई, इसको डांस करवाऊंगा मैं पक्का। रुको पकड़ता हूँ जरा, कहाँ से फेंक रहा है ये नेड समझ में ही नहीं आ रहा। और शायद से भाई इसके टीममेट भी आ चुके हैं यहाँ पे।
भाई यही बंदा है जो डांस वाले नेट फेंक रहा था, इसे मैं फिनिश ही नहीं करूंगा। इसका बंदा होगा ना अगर, तो वो आएगा इसको बचाने के लिए, नहीं होगा तो फिनिश करके निकलेंगे। लेकिन यार ये बंदा कब से बैठा है भाई ऊपर, ऊपर से लोंडो को पेल रहा है और नीचे भी नहीं उतर रहा यार ये। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मेरे को ऊपर वाले बंदे को देखना था बस भाई, एक नेड तो फेंका था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर मैं एक नेड और फेंकता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता, फिर से एक और नेड फेंकता हूँ और भाई इसमें भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक नेड और फेंकता हूँ और अब बच चुका था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेड, और उसके बाद मैं ये नेड फेंकता हूँ। और भाई इतनी जगह मैंने बम फेंक दिया ना, लेकिन वो बंदा कहीं भी मेरे को दिखाई नहीं और ना फटा। लेकिन उसके बाद मैं आता हूँ नाव के पास और तभी मेरे को ऊपर की तरफ से फुटस्टेप आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ भाई वो बंदा वहाँ नहीं यहाँ पे था। भाई सच में इस बंदे ने मेरे को पागल कर दिया था भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक कैम कर रहा था ना भाई ये बंदा। मुझे तो लग रहा था कि भाई ये घर पे, लेकिन कहाँ देख रो कहाँ कैम करके रखा है भाई। तो भाई आगे जाने के बाद इस वाले गेम में मेरी बन जाती है पेटी, उसके बाद मैं लगाता हूँ नेक्स्ट मैच। और इस बंदे का नाम याद रखना यमराज ओजी भाई, ये कॉन्करर बंदा है। इस बंदे से मेरी आगे जाने के बाद फाइट होती है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ उतरा हूँ। और भाई हाँ, उस बंदे के पास में ग्लेशियर भी है। अब भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दो किल चुराता हूँ, उसके बाद ये बंदा आता है, इस बंदे की पेटी बनाता हूँ। और देखो जितनी देर तुम जहाँ रुकोगे ना, एक जगह पे अगर रुके रहोगे ना तुम, तो तुम्हारी पेटी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इधर पे। लेकिन हाँ मेरी तरह घूमते रहोगे इधर उधर तो 70% चांसेस हैं कि तुम्हारी पेटी ना बने और तुम लोंडो की पेटी बना दो। तो कभी भी एक जगह कैंप मत करना या बैठना मत, घूमते रहना बस। अब उन दोनों बंदों को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, इसलिए मैं उनके ऊपर रश करने के लिए आगे आ जाता हूँ। और सामने की तरफ से मेरे को फुटस्टेप आने लगते हैं, वहाँ पे उन दोनों बंदों के अलावा एक टीम पहले से ही है, क्योंकि वो दोनों बंदे इन लोगों के ऊपर रश कर रहे हैं। तो फाइट हो जाने दो, तुम्हारा भाई जाएगा थर्ड पार्टी करने। तो भाई थर्ड पार्टी करने में मज़ा तो आता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब थर्ड पार्टी अपन करें। थर्ड पार्टी अपने पे हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खैर जो भी हो गाइस, इन लोगों की तो पेटी बना दी है, बट जैसे यहाँ पे मैं लूटने आता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ से और भी बंदों की फुटस्टेप आते हैं। और देखते जरा और यार एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया आप। खैर देखो इसकी तो पेटी बना दी, ये बंदा तो ऑफलाइन हो चुका था। एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया भाई, पिछले गेम में तो मैंने शॉटगन वगैरह नहीं चलाई थी, लेकिन हाँ इस वाले गेम में यहाँ से लेके पूरे एंड तक DBS चलाने वाला है तुम्हारा भाई। तो देखो मज़ा तुम्हें बहुत आएगा। अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक तरीके से तुम DBS चैलेंज इसको मान सकते हो भाई। DBS के अलावा क्लोज रेंज में गन ही नहीं चलाई यार कोई सी। अब यहाँ पे मैं इन भाई को नॉक कर देता हूँ, लेकिन पेटी नहीं डालता हूँ। मुझे लग रहा था इनके बंदे इनको बचाने के लिए आएंगे, लेकिन कद्दू भी कोई आता नहीं है। लेकिन हाँ सामने की तरफ से अभी मेरे को दो तीन बंदों के फुटस्टेप आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फटाफट मोली और नेड फेंकने लगता हूँ। और तभी इनमें से एक बंदा, मैं क्यों बताऊँ भाई, तुम वीडियो देखो पहले। एक बंदा नहीं भाई, दो दो बंदे नॉक हो जाते हैं। अगर तो आप लोगों को ये वाला नेट बढ़िया लगा हो ना, तो भाई फटाफट से लाइक कर दो। देखो कितनी बार बोलूं यार मेरे भाई, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो कर दो। देखो लाइक करते नहीं हो आप लोग, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, तो लाइक कर दो। तुम्हारे भाई ने दो बंदों को फोड़ दिया है और अभी भी यहाँ पर शायद से दो बंदे और हैं। दो
दो बंदे नहीं है भैया, ये दो बंदे जो नॉक पड़े ना वही हैं। खैर इनकी पेटी बनाते और निकलते फिर यहाँ से। और यहाँ पर दो तीन भाई लोग रहते हैं, दो भाई लोग की पेटी मैं बना देता हूँ, एक की शायद से तीन नंबर बना देता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूट के बोट मोट की पेटी बना के यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी रैंडम बंदे माइक खोलते हैं और यहाँ पर टीम भी आती है। लेट्स गो। हेलो चार नंबर, हेलो हेलो हेलो, वार्म अप। चार नंबर तबाही मचा रखी है। लेट्स गो। हेलो चार नंबर। अब सामने मुझे एक बग्गी दिखती है तो मैं बग्गी का पीछा करने लगता हूँ, क्योंकि बंदे को थोड़ा बहुत मैंने डैमेज दिया था, लेकिन इतने में भाई मुझे पीछे की तरफ से एक डासिया का भी साउंड आने लगता है। इसका मतलब भाई उसमें तीन बंदे और उसमें एक बंदा, मतलब प्लानिंग से आए ये बंदे। खैर मोली यहाँ पे मैंने फेंक दिए, मोली अपना काम कर देगी और अब चलते हैं उनको देखने। Watch out! Hello, hello, चार नंबर। Okay. तू ऊपर है चार नंबर। चार नंबर, चार नंबर, चार नंबर, big time. क्या नंबर टॉप टू में। अभी यार वो लास्ट बंदा तो गाड़ी लेके ही भाग जाता है, लेकिन हाँ जिस बंदे का मैंने नाम याद रखने को बोला था ना, यमराज ओजी, हाँ उसको याद रखना अभी भाई। पता नहीं मरा या नहीं मरा है, उसके किल मैसेज भी अभी तक चमक नहीं रहे भाई। ग्लेशियर चमकाओ यार अपनी, कहाँ है वो तुम। क्या नंबर आपकी गेम बदलती, हम तो जोन में, हमारी बोर्ड जोन में जाएगी। अब यहाँ पे देखो बढ़िया, सामने मेरे को बंदे दिख चुके थे, लेकिन ऑटोमेटिक मैं बाहर आ जाता हूँ गेम से, पता नहीं भाई क्या हो जाता है। पहले तो मेरे को लगता है कि भाई मेरे आईपैड की ही गलती है, तो मैं फटाफट रिस्टार्ट कर लेता हूँ और गेम, और रिस्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया। बीजीएमआई वालों भाई क्या कर रहे हो तुम। पहले तो मेरे को लगता है कि मेरे डिवाइस की गलती है, लेकिन एक नंबर और दो नंबर को देखता हूँ तो वो भी ऑफलाइन रहते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ गेम का ही ग्लिच होगा। अब खैर जो भी हो, वहाँ से मैं आ जाता हूँ गाड़ी उठा के सीधा यहाँ, और सामने मैं रश कर देता हूँ बंदों के ऊपर, और उनमें से एक बंदा मेरे ऊपर कूद जाता है। देखो अब खैर यार भाई को तो पता नहीं था कि मेरे पास DBS है, नहीं तो वो कूदते ही नहीं। खैर उनकी तो पेटी बना दी, इनका भाई ऊपर रहता है, तो इनके ऊपर भी रश करता हूँ और बहुत देर से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इस रूम से, लेकिन निकल ही नहीं रहा ये। और भाई फाइनली इसी के साथ इस बंदे की भी पेटी बना देते हैं। और भाई DBS जो चिपकती है ना भाई, क्या ही बताऊं, अपने में चिपकती है तो बुरा लगता है, दूसरों में चिपकती है तो अपने को अच्छा लगता है। अब खैर देखो उनके ऊपर मैं रश कर रहा था तो मेरे को यहाँ से भी साउंड आए थे M4 के, और भाई ये बंदा नॉक पड़ा था, क्या पड़ा था मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने इसकी पेटी बना दी। और भाई बहुत देर से यहाँ से फाइट हो रही थी, बंदे मर गए भाई लड़ लुड़ के। अब खैर जो भी हो, उनकी पेटी बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ रोजोक पे, और यहाँ पर यमराज ओजी का नाम तो सुना ही होगा ना, देखा होगा आपने प्लेन में, हाँ तो बस याद रखना नाम, देखो क्या होता है मेरे साथ पहले यहाँ। और भाई यहाँ पर ये बंदा मेरे को पेल देता, लेकिन मोए मोए ने यमराज ओजी को नॉक कर दिया है, पता नहीं अब वो फिनिश करेगा या नहीं करेगा। मेरे को मारना है भाई उसे, तू क्या मार रहा है। तो गाइस मोए मोए की पेटी अपन ने बना दी, ये देख रहा हूँ भाई मैं उसके ऊपर रश करने आया हूँ यमराज ओजी के ऊपर, और भाई ये बंदे मेरे से पहले रश करने गए उनके ऊपर।
भाई ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मारूंगा उसे अपने हाथों से, चिंता मत करो। चलो गाइस चलते हैं डीबीएस उठा के और देते मुंह पे डीबीएस, जरा आ जाओ। और भाई फाइनली इसी के साथ यमराज ओजी और उसके टीममेट की पेटी बना दिए। तो हाँ यहाँ पर तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, देखो तीन बार बोल दिया, तीन चार बार मैंने, अभी तक तुम कंजूसी कर रहे हो, तो भाई कर कह रहे हो भाई, लाइक करो फटाफट और सब्सक्राइब भी कर दो मेरी जान, कर कह रहे हो क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहा है आजकल, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो। और हाँ आप लोग मेरा काम कर सकते हो एक, अगर आप लोग वीडियो देखो मेरी तो भाई चैनल का नाम सर्च करना यूट्यूब पर अब क्रेजी एक्स गेमर, और उसके बाद आप लोग मेरी वीडियो देखना, नोटिफिकेशन और रिकमेंडेशन से मत देखना। आप लोग थोड़ा मेरा काम कर सकते हो कि सर्च से आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो ताकि मेरी वीडियो रिकमेंड हो और भी लोगों के पास में, समझ रहो ना, क्योंकि रीच गिर चुकी है, तो आप लोग मेरा काम कर सकते हो अगर तो आप लोग मेरे से प्यार करते हो तो कर देना यार भाई, ठीक है। अब खैर उनकी पेटी बनाने के बाद मैं आता हूँ आगे, और जोन जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है और अब बच चुके हैं मेरे हिसाब से पांच बंदे, तो देखते हैं जरा उन्हें। अब ये बंदा तो थोड़ा नशे में था लेकिन वो दोनों बंदे सही खेल रहे थे और तुम्हारे भाई ने उन दोनों बंदों की पेटी बना दी, और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा, और उस लास्ट बंदे को ढूंढ ही रहे थे हम लोग, लेकिन इतने में ही वो बंदा तो भाई जोन से ही नोक होकर मर जाता है, नोक क्या डायरेक्ट मर जाता है। अब खैर गाइस जो भी हो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस, आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ यार जिसने भी पाल वर्ल्ड की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, पाल वर्ल्ड की वीडियो भी बहुत अच्छी है, उस गेम को समझो तुम तुम्हें मज़ा आएगा काफ़ी, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग कर सकते हैं पाल वर्ल्ड में। तो जिसने भी नहीं देखी है देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप लोग सर्च करके देख लेना, क्रेजी एक्स गेमर नाम सर्च करना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे तो देख ही रहो, सर्च में कर लेना नाम, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर थर्ड नंबर की वीडियो होगी पाल वर्ल्ड की, तो उसे देख लेना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई। गाइस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना।